एवरीवन, खमा गणिसा। आप लोगों का मेरे चैनल नीतिशा राजावत ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जन्माष्टमी है, आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी है तो सभी जगह अलग अलग झांकियां बनी हुई हैं। तो लड्डू गोपाल जी की सभी जगह बहुत ही अच्छी अच्छी और सुंदर सुंदर झांकियां बनी हुई हैं। और भी जैसे हम कहीं भी जाते हैं किसी भी मंदिर में, तो बहुत सारी झांकियां बना रखी है, कोई अलग किसी भगवान की, कोई किसी भगवान की। तो ऐसे ही मैं आपको आज बाटोदा की झांकी दिखाऊंगी। आप लोग सोचोगे कि मैं बाटोदा की झांकी, मैं तो सवाई माधोपुर हूँ, तो आपको बाटोदा की झांकी कैसे दिखाऊंगी। तो मेरे को यहाँ पे आना था, इस वजह से मैं बाटोदा नहीं जा पाई। लेकिन वहाँ का जो वीडियो है, जो मेरा भाई है गोलू, उसको आपने देख रखा है मेरे ब्लॉग्स में, तो वो वीडियो वो शूट करके लाएगा, फिर मैं एडिट करके आपको वीडियो दिखाऊंगी वहाँ का। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और सारी की झांकियाँ कैसी लगी। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतिशा राजावत ब्लॉग्स पर। तो सबसे पहले तो हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आज जन्माष्टमी है और हम जा रहे हैं हमारे पास के गाँव बाटोदा में। तो हम पहले वहाँ की झांकियाँ देखेंगे, फिर हमारे गाँव की झांकियाँ देखेंगे, फिर आप कमेंट करके बताना कि कौन सी वाली झांकी आपको ज़्यादा अच्छी लगी है, तो वो आप कमेंट में बताना। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, बाइक पर जाएंगे, तीन लोग जा रहे हैं हम, और वहाँ का आपको सीन दिखाएंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं बाटोदा में। गाइस हम बाटोदा पहुँच चुके हैं और इन्होंने इतनी शानदार तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की हुई है। देखिए आप, टेंट वगैरह लगाया हुआ है। अभी हम अंदर नहीं गए हैं, अंदर जाके देखते हैं किस तरीके की झांकियाँ सजी हुई है, वो अंदर जाके पता चलेगा। लेकिन हम आपको बाहर से दिखा देते हैं। हम आपको पहले गेट दिखा चुके हैं भाई, किस तरीके से उन्होंने गेट दरवाज़ा बना रखा है पूरा कि स्वागत के लिए, और अंदर झांकियाँ सजी हुई है, गानों की आवाज़ आ रही है। तो अंदर जाके चेक करते हैं क्या है। देखिए इन्होंने ये स्टेज बनाया हुआ है, जो भी झांकियाँ सजेगी या प्रोग्राम करेंगे वो इस स्टेज पे से, इस मंच पे से होगा। उसके पीछे लिखा हुआ है श्री कृष्णा कमेटी राजनगर बाटोदा आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। तो ये आए हुए हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने जो झूला बनाया, क्या शानदार जुगाड़ किया है। देखिए आप, मतलब इनकी सोच को सलाम है कि इन्होंने जो बेंच होती है उसको उल्टा लटका के इन्होंने झूला बना दिया है। और देखिए इतना आराम से झूल सकते हैं, बस इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ डेकोरेशन करना, चादर वादर डालना बाकी है। बाकी इन्होंने शानदार सतोना कर रखा है, आप देखिए पेवर झूला लग रहा है बिल्कुल। और अपनी सिल्लियाँ रखी हुई है, किसी का दिमाग गर्म हो जाए तो ठंडा करने के लिए। और ये हमारे फुफोसा है जिन्होंने हमको यहाँ पर आमंत्रित किया है बाटोदा के लिए। तो गाइस हम अब आ चुके हैं चेंज रूम में, जहाँ पे सब अपने अपने गेटअप में आ रहे हैं, सब अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अभी तो सब बिना कपड़ों के खड़े हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने गेटअप में आ रहे हैं सब। और जब ये गेटअप में आ जाएंगे तब हम आपको एक एक से मिलवाएंगे कि कौन क्या बना हुआ है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। और अभी तो ये जो गेटअप में नहीं है, हमारे साथ घूम रहा है वही है अभी, तो बाकी सब अभी नग्गे घूम रहे हैं, इसलिए आपको बाद में दिखाएंगे कि कौन क्या क्या बना हुआ है। अभी थोड़े बहुत ही अपने गेटअप में आए हैं, पूरी तरीके से जब गेटअप में आ जाएंगे, जब आपको हम दिखा देंगे कि कौन क्या बना हुआ है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं इनके गेटअप में आने के बाद। अब ये तैयार हो चुके हैं, जो जो भी तैयार हो रहे हैं हम उनसे एक बार बात करते हैं कि कौन क्या क्या बना हुआ है, इनका नाम क्या है, तो एक बार इनसे जानकारी ले लेते हैं। तो भैया आपका क्या नाम है? गौरी शंकर पारे। तो आप क्या बने हुए हैं? हनुमान जी। ये हनुमान जी बने हुए हैं। देखिए इनके पास में ये हनुमान जी का जो गदा होता है वो इनके साथ में है। और आप कब से यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब आपने पिछले साल भी यही रोल किया था? तो इन्होंने पिछले साल भी यही रोल किया था और ये इस रोल में बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। देखिए आप, बिल्कुल गेटअप बिल्कुल बिल्कुल हनुमान जी लग रहे हैं। और ये मुकुट और लगाएंगे तो उसके बाद में बिल्कुल हनुमान जी लगेंगे। और एक बार हनुमान जी ऊपर होके निकल के जा रहे हैं। भैया आप क्या बने हुए हैं? कान्हा। आपका नाम क्या है? धीरेन्द्र सिंह राजावत। धीरेन्द्र सिंह राजावत, तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यार। आपका गाँव का नाम बताइए। बाटोदा। बाटोदा गाँव के ये निवासी है, जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है और वहीं के ये निवासी है। और आप क्या बने हुए हैं एक बार फिर से बताएं? कान्हा जी बने हुए। कान्हा जी बने हुए हैं। आज कान्हा जी का बर्थडे है और इसी के उपलक्ष्य में सेलिब्रेशन हो रहा है। और ये हर साल इतना अच्छा सेलिब्रेशन करते हैं, हमने आपको पहले भी दिखा दिया था। और ये अब नए गेटअप आ चुके हैं। आप क्या बने हुए हैं? और ऐसा लग रहा है इनका बर्थडे है, लेकिन आज तो बर्थडे तो कान्हा जी का है, लेकिन ये शिवशंकर बने हुए हैं टोपी लगा के, हैप्पी बर्थडे वाली। और जैसे भी और लोग तैयार होके आ रहे हैं, हम एक एक का इंट्रोडक्शन आपसे करवा रहे हैं।
तो अब जो और कोई तैयार होएगा उनको बुलाते हैं और आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अब हम नए गेटअप को बुला रहे हैं, अब देखते हैं आप कौन आया है। तो भैया आपका क्या नाम है? जोकर। तो ये जोकर बने हुए हैं, आपका रियल नाम क्या है? दिलकुश। इनका रियल नाम दिलकुश है और ये भी बाटोदा के रहने वाले हैं। यहाँ के ज़्यादातर कलाकार बाटोदा के ही हैं और इन्होंने जो बिल्कुल जो गेटअप देखिए आप, बिल्कुल जोकर ही लग रहे हैं और मस्ती भी ये करने वाले हैं और आपको भी वीडियो में मज़ा आने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं बाटोदा का कृष्ण जन्माष्टमी जो उत्सव है, इतना शानदार उत्सव हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी तो ये सिर्फ ये तैयार हुए हैं, जब ये परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए आप कितना अच्छा ये परफॉर्म कर रहे हैं अभी से ही। और अब नए गेटअप को बुलाते हैं और सबसे पहले इनकी पूजा होती है, लेकिन हम इनको पहले बुलाना भूल गए थे तो हम इनको अब लास्ट में बुला लेते हैं। लास्ट में क्या, अभी तो और गेटअप भी आने वाले हैं। तो ये है गणेश जी, इनकी सूंड से आप देख सकते हो बिल्कुल ये गणेश जी लग रहे हैं, बस इनकी थोड़ी सी तूंद नहीं है, थोड़ा सा तूंद आपको खाना पीना चाहिए उसके बाद में आपकी तूंद आएगी। आपका नाम क्या है? अरुण। इनका नाम है अरुण, अरुण सिंह। अच्छा, तरुण सिंह इनका नाम है। थोड़ा सा क्या है, मुकुट लगा रखा है तो सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और अब नए गेटअप बुलाते हैं। तो भैया आपका क्या नाम है? हर्षित। इनका नाम है हर्षित। तो आप क्या बने हुए हैं आज के प्रोग्राम में? तो ये भी कृष्ण बने हुए हैं, क्योंकि कृष्ण के बहुत सारे रोल दिखाने वाले हैं, जैसे छोटा वाला रोल, बड़ा वाला रोल। पहले भी आपको एक कान्हा जी देखने को मिले थे, वो थोड़े बड़े वाले रोल में है, ये थोड़े छोटे वाले रोल में है। तो आपका नाम क्या है? हर्षित। हाँ। तो आपको मज़ा आता है ये प्रोग्राम करके? यस, बहुत मज़ा आता है। हाँ। तो आप और भी कुछ प्रोग्राम करते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी पे ही यहाँ पे प्रोग्राम होता है, जन्माष्टमी पे ही होता है। हाँ। और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। और अब नए गेटअप को बुलाते हैं, एक एक करके इंट्रोडक्शन करवाते हैं। नए किरदार को हमने बुला लिया है और ये हमारे खुद के रिश्तेदार लगते हैं, फुफोसा के बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? अरुण सिंह गाजावत। इसका नाम है अरुण सिंह गाजावत। आप क्या बने हुए हैं इस नाटक के अंदर? कृष्णा बने हुए हैं। तो हम कृष्णा के आप 3-4 रोल देख चुके हैं, बाकी और सभी भी तैयार होने में टाइम लग रहा है। और तैयार होने के बाद में जब झांकी सच जाएगी उसके बाद में हम आपको सबका इंट्रोडक्शन करवा देंगे। तो ठीक है गाइस, अब मिलते हैं झांकी के बाद में। अभी उसी देर में अपना कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। जुलो थोड़ा सा तेज है। ये वही बेंच है जो हमने आपको दिखाई थी, जिसको उल्टा लटका रखा था, बिल्कुल झूला बना दिया इसको। गौरी शंकर जी, ये है वीर हनुमान जी। सदस्यों से और गांव के प्रमुख लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप भी उनका अभिनंदन करा करके। उप सरपंच महोदया हमीदा बानो, यदि आई हो तो कृपया मंच पर पधारें। उप सरपंच साहिबा, और भी कोई भाई पंच यहाँ पर हो कृपया मंच पर पधारें।